प्रीवियस लेक्चर में हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में जान लिया था कि किरचॉफ्स लॉ को हम कैसे लगाएंगे कैपेसिटर्स के लिए, और हमने देखा था कि किरचॉफ्स के दो दो टाइप्स होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। तो वो हमने पूरी प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी। अगर आपने नहीं करी है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखें, कैपेसिटर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटर में क्या होता है और हमें इसकी नीड क्यों होती है। डाइलेक्ट्रिक्स, तो जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया था कि डाइलेक्ट्रिक के बीच का फोर्स उनके उन सॉरी जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है, लेकिन वो कैपेसिटर पास नहीं आते हैं। तो वो पास इसलिए नहीं आते कि डाइलेक्ट्रिक्स उनके बीच में होता है। डाइलेक्ट्रिक उनके बीच में होता है तो हम सेपरेशन कम से कम रख सकते हैं, उनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कम से कम रख सकते हैं, और हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल सकती है। और दूसरा पर्पज़ ये है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक उसमें डाल देंगे तो हमें ज़्यादा चार्ज मिल जाएगा कम पोटेंशियल लगाने पे। देखो आगे देखेंगे कैसे ज़्यादा चार्ज मिल जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये पाया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं किसी प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटेंस हमें बढ़ी हुई मिलती है, यानी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है, के गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो जो अगर इनिशियली सी नॉट है तो सी बराबर सी नॉट नॉट के हो जाती है। तो जैसे मान लो कि हमारा ये कैपेसिटर्स है और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला, ये डाइलेक्ट्रिक डाला, ये बिल्कुल सटा हुआ है इनसे, लेकिन वो मैंने दिखाने के लिए ऐसा बनाया कि आपको समझ में आए कि इसमें डाइलेक्ट्रिक हमने डाला। जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो अगर इनिशियल कैपेसिटेंस सी नॉट है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो जो इसकी कैपेसिटेंस आगे बढ़ के जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी इज इक्वल टू सी नॉट नॉट के। अब आगे देखते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक को अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रख दिया, यानी कि जब हम कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम रखेंगे तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हम उसका देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। तो मान लो कि हमने डाइलेक्ट्रिक रखा कैपेसिटर प्लेट के बीच में और उसके बीच का, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मान लो ई नॉट है, ई नॉट मान लिया। तो हमने ये अपना अरेंजमेंट बनाया, ये हमारा अरेंजमेंट बना। तो पहला केस ये कैपेसिटर्स है और ये कंडक्टर्स हैं। जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था तो मैंने कंडक्टर में डिस्कस किया था कि गॉस लॉ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। वो जीरो क्यों होता है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इनसाइड जो चार्ज होते हैं, तो जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाते हैं। तो कंडक्टर इतना पावरफुल होता है कि वो जो अपोजिट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, वो जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बराबर हो जाता है। उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाता है। लेकिन इतना ताकतवर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो इतनी ताकत उसमें नहीं आ पाती कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर इंड्यूस कर पाए। लेकिन करता तो है, कोशिश तो करता है, लेकिन वो कम होता है, ई नॉट से कम होता है। इसीलिए हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई मिलता है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ई मिलता है वो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस होता है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। तो याद रखना कि इंसुलेटर भी यानी कि डाइलेक्ट्रिक भी वही काम करता है जो कंडक्टर करता है, लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं, तो इतना
अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है कि वो दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, लेकिन इसमें इंसुलेटर भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। तो जो हमारा ई होता है वो ई नॉट वाई यानी कि के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ई नॉट माइनस के ई आई, ई नॉट माइनस के ई आई वो होता है हमारा, वो होता है ई नॉट वाई के। अब भाई चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, अब हमारे मन में बात आई कि चार्ज इंड्यूस्ड हुआ कितना हुआ, वैल्यू क्या है उसकी। तो वही वैल्यू हम अभी निकालेंगे कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो कितना चार्ज इंड्यूस होता है। तो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई होगा। अब मान लिया कि कोई कैपेसिटर है, उसके बीच का सेपरेशन डी है और उस पर चार्ज क्यू है और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये बिल्कुल सटा हुआ है, ये समझाने के लिए बिल्कुल अलग बनाया। तो मान लीजिए कि जो हमारा कैपेसिटर्स है यानी कि कैपेसिटर्स की प्लेट हैं उस पर चार्ज है क्यू नॉट या माइनस क्यू नॉट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट, ई नॉट जो अपोजिट में इंड्यूस होगा वो ई आई। ये जो चार्ज इंड्यूस हुए यानी कि ये प्लस है तो यहाँ माइनस इंड्यूस होगा इसके अपोजिट में, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस इंड्यूस होगा। ये इंड्यूस चार्ज होते हैं उसको बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। याद रखो कि जो इंड्यूस चार्ज होते हैं उसको बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं, जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं उसको हम बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई हुआ, और ई नॉट हम जानते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा, और ई आई इज इक्वल टू क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होगा यानी कि क्यू इंड्यूस या फिर क्यू बाउंड। और ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के एक्सपेरिमेंटली पाया गया, तो ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, तो ई नॉट की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ई आई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो क्यू इंड्यूस्ड आएगा वो आएगा क्यू वन माइनस के वन अपॉन के, क्यू इंड्यूस्ड आएगा वन माइनस क्यू वन माइनस वन अपॉन के, और इस क्यू इंड्यूस्ड को हम क्यू बाउंड भी बोल सकते हैं, क्यू बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं क्यू बी। तो क्यू इंड्यूस्ड और बाउंड चार्जेस सेम है, याद रखना। अगर कोई ये मैंने बाउंड चार्जेस नेम इसलिए बता दिया कि अगर आप कोई अच्छी बुक लगाओगे तो वहाँ बाउंड चार्जेस का टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो बाउंड चार्जेस कुछ नहीं है, वो इंड्यूस चार्ज हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक पे इंड्यूस होते हैं। और जो बाहर के चार्जेस हैं इसको बोलते हैं हम फ्री चार्जेस, ये बाहर के चार्जेस हैं इसको हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। अब ये है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट इनिशियली में कुछ होता है। जब डायपोल मोमेंट था तो ये रेंडमली अलाइंड थे, किसी भी डायरेक्शन में थे, ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था, तो ऐसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करी उन्होंने। और लेकिन जब नॉन पोलर के केस में क्या होता है कि इनिशियली उन पर कोई चार्ज नहीं होता, उनका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही जगह होता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उन दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है, उसकी वजह से उनमें डायपोल मूवमेंट की वजह से वो अलाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना ये सिचुएशन होती है। अब एक टर्म आता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम आम आदमी की भाषा में बोलें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वो यानी कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वो वैल्यू
इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज आए उसके अगर जस्ट बाद जो वोल्टेज लगाएं उस पर वो कैपेसिटर खराब हो जाए। यानी कि आपने देखा हो तो हर एक कैपेसिटर पे रेटिंग आती है, तो वो जो रेटिंग होती है वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है। उस रेटिंग से अगर आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए अगर आम आदमी की भाषा हम समझें तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एक ऐसा वोल्टेज जिस पे जिससे ज़्यादा अगर हम दे दें तो कैपेसिटर खराब हो जाएगा, वो किसी यूज का नहीं रहेगा। तो मान लीजिए हमने V दे दिया, V इज ग्रेटर देन VD, मैं VD से डिनोट कर दे रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक को। तो फिर हमने जैसे ही ये दिया तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर जल जाएगा, जैसे ही आपने लगाया तो ये कैपेसिटर जल जाएगा और चार्जेस का फ्लो क्या होगा कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो बैटरी का अब तो ऐसा हो गया ना कि बैटरी का पॉजिटिव चार्ज बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपस में आपने ज्वाइन कर दिया तो फिर एक फॉल्ट हो जाएगा, स्पार्क सा होगा और बैटरी भी खराब हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट द अकरेंस ऑफ ब्रेकडाउन। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल आए उससे मैक्सिमम अगर आप लगा दोगे तो डाइलेक्ट्रिक खराब हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उससे नीचे यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद कैपेसिटर खराब हो जाएगा। अब कंक्लूजन देखते हैं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो क्या क्या फर्क पड़ता है चार्जेस और पोटेंशियल में। मान लो हमारे पास दो केसेस हैं, पहले केस में हमने क्या करा कि इसको बैटरी से लगा के फिर बैटरी हमने हटा दी तो इसका पोटेंशियल वी हो गया, चार्ज क्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। और फिर दूसरे केस में क्या है कि हमने बैटरी लगी रखी और हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। पहले केस में क्या, बैटरी नहीं लगी है यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट होगा। जब हम बैटरी हटा देते हैं तो उसमें चार्ज कहीं आने जाने का उसको रास्ता नहीं मिलता, इसलिए चार्ज कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए हमने ये डाइलेक्ट्रिक डाला इसमें तो जबकि चार्ज कांस्टेंट है तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से देखेंगे और सी हमारा के टाइम्स बढ़ जाएगा, के सी नॉट, मान लो अगर इनिशियल सी नॉट है तो सी नॉट, चार्ज हमारा कांस्टेंट है सी बढ़ रहा है यानी कि जो फाइनल पोटेंशियल होगा यानी कि कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो पोटेंशियल होगा वो वी वाई के हो जाएगा यानी कि वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये सी यहाँ आ जाएगा, चार्ज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल घट जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा सिग्मा वाई के एप्सिलॉन नॉट क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, चार्ज कांस्टेंट है तो सिग्मा भी कांस्टेंट होगा। तो देखो इस जब बैटरी नहीं लगी है तो चार्ज कांस्टेंट मानते हैं और जब बैटरी लगी है तो बैटरी हमेशा अपना पोटेंशियल भी देती रहेगी, तो पोटेंशियल भी देती रहेगी। तो इस केस में क्यू इज इक्वल टू सी वी जबकि सी वी बढ़ेगा तो जो क्यू फाइनल क्यू डैश आएगा वो हमारा के टाइम्स क्यू आएगा। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वी अपॉन एल उसके बीच का, जबकि वी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा जब बैटरी लगी है तो। ये सिचुएशन है, ये दो केसेस हैं, ये दोनों का अलग अलग है। अगर बैटरी नहीं लगी है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बैटरी लगी है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा और E इज इक्वल टू वी वाई एल होता है तो जो चेंज आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे नहीं आएगा, सिर्फ क्यू पे आएगा और कैपेसिटेंस पे आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।